बार फिर से प्रणाम सलाम कुणाल जी, मेरा नाम, और आप देख रहे हो घूमेगा क्या। और अब मैं आ चुका हूँ प्लेटिनम मॉल में। ये जो मॉल है जनरली कपड़ों के लिए होता है, और अगर आप कपड़े ख़रीदना चाहते हो तो ये बेस्ट प्लेस हो सकता है। यहाँ पे थोड़ी क्वालिटी अलग मिलेगी, एक तो लोकल मार्केट होता है वहाँ थोड़ी अलग क्वालिटी मिलती है, यहाँ थोड़ा सा प्रीमियम क्वालिटी आपको देखने को मिलता है। तो चलिए अपन घूमते हैं, कहाँ क्या है, कैसा क्या है वो आपको बताता हूँ, और किस तरह की रेंज होती है वो भी देखते हैं। ये पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, देखो फर्स्ट फ्लोर पे वुमेन्स है, सेकंड फ्लोर पर भी वुमेन्स है, थर्ड फ्लोर पर भी वुमेन्स है, और फोर्थ फ्लोर में मेंस फैशन है। आपको एक सेक्शन दिख जाएगा यहाँ पर, ये देखो ये वाला। उसके बाद चिल्ड्रंस वेयर, एक्सेसरीज, फूड सेंटर, पार्किंग, ये सारा। तो वुमेन्स के लिए ज़्यादा है, मेन्स के लिए कम है। तो हम सीधा चलते हैं फोर्थ फ्लोर पर और देखते हैं वहाँ है क्या। जोन टू फोर्थ फ्लोर। यहाँ ज़रूरी नहीं है कि आपको फोर्थ फ्लोर पर ही मेंस सेक्शन दिखे, यहाँ बहुत सारी दुकानें दिख रही है जो मेंस की है ना। थर्ड फ्लोर पे भी, सेकंड फ्लोर पे भी आपको मिल जाएगा, लेकिन वहाँ जो मेंशन किया हुआ है उस पर बोर्ड पे, वो फोर्थ फ्लोर का मेंशन किया हुआ है। अभी आ गए हम फोर्थ फ्लोर पर, यहाँ मेंस सेक्शन दिख रहा है, तो चलो एक ट्राई मारते हैं घूमते। सामने मेरा फेवरेट सेक्शन है एवेंजर्स का, तो देखते हैं। 199 भात है, क्या क्या मिल रहा है यहाँ पर। ये देखो आप, सारे एवेंजर्स की कैटेगरी के शर्ट्स और टी शर्ट्स हैं। यो ये जो टी शर्ट है 590 भात की, यानी कि 600 भात के अराउंड, यानी कि आपको 1200 रुपये के पड़ेगी। आप देख सकते हो यहाँ, मगर टी शर्ट्स बहुत अलग अलग है। लाइक ये 490 की है, मतलब प्राइस अलग अलग है, आप यहाँ देख सकते हो। ये देखो ये मार्वल, सारा मार्वल स्टार वार, पूरा जो कार्टून वाला जो सेक्शन होता है वो यहाँ पर है, और ये मुझे बहुत पसंद है। प्राइस कुछ ज़्यादा अच्छा है। यहाँ ये आप देख सकते हो मेंस एंड वुमेन 390 भात, 490 भात का हुडी, 1000 भात, जैकेट 1300 भात। वैसे इंडिया में भी मिल जाता है यार इस रेट पर, बट हो सकता है फैब्रिक थोड़ा सा अलग हो। बाकी यहाँ कैप भी है। चलो आगे बढ़ते हैं और भी देखते हैं क्या है चीज़ें। तो थोड़ा सा प्राइस आपको ज़्यादा मिलेगा ही, है ना, मगर क्वालिटी बहुत अलग है। मैंने देखा कि क्वालिटी अच्छी प्रीमियम वाली है, थोड़ी अलग क्वालिटी, ऐसा आप नहीं कह सकते कि ज़्यादा में बेच रहे हैं। ठीक प्राइस लगा मेरे को क्वालिटी के हिसाब से, बाकी आपको डिसाइड करना है कि आप वो क्वालिटी में क्या करते हो। बार्गेनिंग होती या नहीं होती मुझे पता नहीं, क्योंकि अभी तक मुझे कुछ ऐसी चीज़ दिखी नहीं है जिसके पसंद करके मैं बार्गेनिंग करूँ। ठीक है, यहाँ आपको शूज़ दिख जाएंगे बहुत सारे, अगर आप शूज़ लेना चाहते हो तो। ठीक है, ये ज़रूर है कि आपको ओरिजिनल मिलेगा, फर्स्ट कॉपी मिलेगा, आई डोंट नो, मगर आप ट्राई कर सकते हो कि आपको कौन सा पसंद आ रहा है। आप शर्ट्स देख सकते हो जो कि बहुत कूल से और अच्छे से लग रहे हैं, इसकी जो क्वालिटी है ना वो भी बहुत प्यारी सी लग रही है, तो आप ये शर्ट्स ट्राई कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो। इसका प्राइस क्या है आई डोंट नो, ये 300 भात का शर्ट है, मतलब 600 रुपये का, तो आप अंदाज लगा सकते हो शर्ट कितने का होगा, बट ये बहुत कूल सा लग रहा है। यहाँ पर भी सेल लगी हुई है, देखो ये बोल रहे हैं कि 180 का 3, 540 का, और अगर 6 लेते हो तो 170 का पड़ेगा। यहाँ पे भी बहुत सारे शर्ट्स हैं,
जो आप देख सकते हो कूल से। एक चीज़ ज़रूर है, इंडिया में इस तरह के शर्ट मुश्किल है मिलना, और अगर आप पहनते हो तो आप बहुत अलग दिखोगे। ये वाला जो फैब्रिक है इसका मैंने चड्डा लिया है, सेम फैब्रिक का शॉर्ट्स। ये टी शर्ट मुझे बहुत पसंद आया है, ये 290 बात का ये दीदी बोल रही हैं, और अगर आप दो लेते हो तो आपको 250 बात का पर टी शर्ट मिलेगा, यानी 500 बात में दो टी शर्ट। एक चीज़ और है कि लाइक अगर आपको दो तीन जगह जाना है, जैसे मुझे ना MB के मॉल भी जाना है, चाटूचंग मार्केट भी जाना है, तो आप पता करते जाओ। अगर आपको कोई चीज़ पसंद आ रही है तो उसका रेट देखते जाओ, अगर आप रेट देख लेते हो तो आपको नेक्स्ट टाइम एक आइडिया होगा कि अरे यार वहाँ इतना का मिल रहा था तो यहाँ सही रेट है या नहीं है। अगर वो ज़्यादा बोलता है तो आप ये रेट के हिसाब से भी ले सकते हो उससे, है ना, और आपको एक आइडिया हो जाएगा फ्यूचर के लिए, और मैं भी आपको आइडिया दूंगा कि कहाँ सही रेट मिल रहा है। ओके, तो जैसे वो टी शर्ट 250 भात, मतलब कुछ अराउंड 550 रुपये का एक टी शर्ट, मतलब वो बहुत वर्थ है, मतलब वो बहुत प्यारा सा टी शर्ट लग रहा है अगर आप पहनते हो तो। मुझे मन भी कर रहा है कि मैं ले लूँ उसको, बट अभी और घूमना है मुझे, तो मैं थोड़ा रेट तलाशूँगा, अगर कहीं कम में मिल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो देखते हैं। चलो एक बार और राउंड लगाते हैं और क्या क्या है यहाँ पर। देखो सब कहते हैं कि मॉल में महंगा मिलता है, महंगा मिलता है, मेरा कहना है कि यार मॉल में महंगा इसलिए मिलता है क्योंकि वो क्वालिटी भी वैसी है, ठीक है ना, थोड़ी सी प्रीमियम क्वालिटी रहती है। बाकी जब मैं चाटूचंग मार्केट जाऊंगा तो मैं थोड़ा और आपको बता पाऊंगा कि मॉल का माल या मॉल की जो कैटेगरी है वो चाटूचंग पे भी मिल रही है या नहीं। अगर हाँ चाटूचंग पे वो कैटेगरी मिल रही है और सस्ते में मिल रही है तो फिर मॉल आना गलत है, ठीक है। चलो अब यहाँ से हम विदा लेते हैं, नीचे की तरफ चलते हैं और इस वीडियो को भी यहीं एंड करते हैं। प्लैटिनम मॉल है ना बैंकॉक में, अगर आप खाओशान रोड पर हो बाइक टैक्सी से आ जाओ, आपको 60 भात लगेंगे। अगर आप कार करके भी आते हो तो सस्ता पड़ेगा आपको, 3-4 लोग हो तो। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में दिक्कत हो सकती है, इसके सामने एक लोकल मार्केट भी है ना, वहाँ पर भी आप जा सकते हो, लेकिन टाइम का ध्यान रखो 12 बजे से 7 बजे मैक्स, 1-2 बजे तक आ जाओ, आराम से शॉपिंग करो, मिलते हैं। बहुत सारी डिटेल, बहुत सारी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ थाईलैंड से जुड़ी हुई। मास्क हटा दूँ क्या? चलो हटा देता हूँ, है ना। अब जाऊँगा मैं होटल, लेकिन आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। यही है रिक्वेस्ट कि प्लीज़ सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, मुझे बताओ। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो भी बताओ, है ना। थाईलैंड आने वाले हो तो सारे वीडियोज़ देखना, आपको बहुत फ़ायदा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय। घूमेगा क्या, घूमेगा क्या, घूमेगा क्या, घूमेगा क्या।